दोस्तों, अगर आप एक अश्लील वीडियो बनाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अश्लील वीडियो जो लोग बनाते हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि YouTube आपको देख नहीं रहा है। आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं, मान लीजिए आप भी किसी का नकल कर रहे हैं और ये अश्लील वाले को स्ट्राइक तो कम दे रहा है, चैनल ही डिलीट कर दे रहा है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है अश्लील वीडियो बनाते थे, बहुत मानते हैं एक महीने दो महीने में कुछ अर्निंग आ जाती है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना, आप बहुत से लोग चैनल पे स्ट्राइक आता है तो अश्लील वाला के जो सेक्सुअल कंटेंट स्ट्राइक आता है वो जल्दी हटता नहीं है। कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक जो आता है वो हट जाता है, और सबसे ज्यादा स्ट्राइक आजकल दे रहा है सेक्सुअल वाला, वो वाला जल्दी हटाता भी नहीं। और एक चीजों को आपको बता दें कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो पहले आपको बता देते हैं कि आप स्ट्राइक आता है तो डरिए मत, स्ट्राइक हट जाता है। बहुत से तरीका होता है स्ट्राइक हटाने का, आप बिंदास तनिको मत डरिए। स्ट्राइक आपके चैनल पे आया है तो वीडियो डालिए, वीडियो मत रोकिए, नहीं तो जो रीच होता है वो रीच आपका खराब हो जाएगा। एक तो स्ट्राइक लगा वैसे रीच खराब हो गया, आप उस पर वीडियो नहीं डालेंगे तो और रीच खराब हो जाएगा। वीडियो डालते रहिए, क्योंकि वीडियो जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक ये चैनल पे रीच नहीं बढ़ेगा। और एक चीज बता देते हैं, बहुत से बहन भाई लोगों के चैनल पे स्ट्राइक लगा है पता ही नहीं रहता है, उनको ये नहीं पता कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक है, उनको बस वीडियो बनाना है, वीडियो पोस्ट हो जा रहा है, बस वीडियो बनाते चले जा रहे हैं। बहुत से लोगों को लाइव में स्ट्राइक लग जाता है, वो तो समझ नहीं पाते हैं, बैठे हैं जो क्या करते हैं, थोड़ा सा पंखा का हवा ले लेंगे और हवा जैसे मारेगा ऐसे हवा से उधियाएगा, बस कुछ चीजें दिख जाएगा पार्ट, उतने से सेकंड के पार्ट में यूट्यूब का इतना तेज कैमरा रहता है ना कैच करने वाला, वो दिख जाएगा कि इसमें यहाँ पार्ट दिख गया है। 4 सेकंड 5 सेकंड का भी सीन आपका दिख गया तो उसमें यूट्यूब स्ट्राइक मार देगा आपको, यूट्यूब का लाइव भी डिसेबल कर देगा। ज्यादा करेंगे तो आपका मोनेटाइज भी डिसेबल कर देगा, उससे भी ज्यादा करेंगे तो चैनल ही डिसेबल कर देगा। तो आप ध्यान दीजिए, कुछ ऐसी पार्ट चीजें ना निकले। हाँ, बहुत सी मेरी बहनें क्या करती हैं, लाइव में आई रहती हैं, बच्चे उच्चे को गोद में लेके बैठ जाती है, चड्डी नहीं पहना रहता है, फिर आपको स्ट्राइक लग जाता है, उनको कहते हैं अरे मेरा लाइव कहाँ चला गया, लाइव नहीं आ पा रहे। लाइव बहन आएंगी, आप बच्चे को साइड में रख दीजिए, जब तक आप लाइव है खुद बात करिए। हाँ, एक गलती लाइव आते समय और बहुत सी महिलाएं कर रही हैं, बहुत बड़ा गलती है, या आप लाइव आते हैं या वीडियो बनाते हैं उसमें आपको पंखा नहीं चलाना है, याद रहे। पंखा जो चलाते हैं आवाज आता है, वो आवाज वीडियो के साथ खरखर खरखर करेगा, पब्लिक लाइव में है तो भी आवाज आएगा तो कुछ खरखराहट रहता है तो लाइव में जल्दी रुकता नहीं है, आप एकदम फ्रेश आवाज दीजिए। वीडियो बनाते हैं तो पंखा पहले बंद करिए, वो आवाज आ जाता है खरखर खरखर करेगा, जैसे यही होता है कि टीवी चलता है तो झिलझिल झिलझिल करता है तो वो झिलझिल झिलझिल करेगा आपका, तो अच्छा नहीं लगेगा वीडियो आपका, बढ़िया वीडियो को भी खराब कर देता है, इसलिए आपको पंखा नहीं चलाना है। स्ट्राइक आता है नहीं डरिए, स्ट्राइक हट जाएगा, बहुत से स्ट्राइक हट जाता है, हम लोग एक से एक स्ट्राइक, कोई मारता है स्ट्राइक तो भी मत घबराइए, वो भी हम जानते हैं हट जाएगा सब चीज। आपका ओरिजिनल कंटेंट है तो बिंदास वीडियो बनाइए, बाकी किसी कोई स्ट्राइक मारता है आपको पैसे के लिए डिमांड करता है तो मत डरिएगा, संपर्क करिएगा हमसे, कोशिश करिएगा हमसे संपर्क करने का, हो सकता है वो स्ट्राइक आपका रिमूव करवा दे। बाकी आप लोग अगर एक यूट्यूबर हैं तो कोई भी स्ट्राइक से मत डरिए। हाँ, टाइटल जरूर लिखिए, टाइटल लिखना बहुत जरूरी है। बहुत सी बहनें मेरी देखते हैं वीडियो बनाती हैं और वैसे ही पोस्ट कर देती, शॉर्ट वीडियो, बड़े वीडियो को तो छोड़ दीजिए, शॉर्ट वीडियो पे भी टाइटल लिखा जाता है। जैसे अगर आप कोई गाना बना रहे हैं, बत्ती बुझी गया रे सैयर उठ गया रे, तो क्या लिखना है, बत्ती बुझी गया हच, और उसके बाद क्या लिखना है, शॉर्ट वायरल वीडियो, भोजपुरी सॉन्ग, भोजपुरी वीडियो, ये सब चीजें लिख के फिर भी यूट्यूब को पोस्ट कर देना है, ये हर वीडियो पे करना। हाँ, एक गलती और मत करिएगा आप, ये हमारे सारी बहनें लमसम करती हैं, उनको बता देते हैं वीडियो, अभी आपने 10 वीडियो एनलिस्ट में बना लेती हैं तो आप घंटे घंटे में छोड़िए। बहुत से लोग वीडियो बनाते जाएंगे पोस्ट करते जाएंगे, वीडियो बनाते जाएंगे पोस्ट करते जाएंगे, तो ऐसे नहीं करना है आपको। वीडियो बना के इकट्ठा रख लीजिए अनलिस्ट में,
उसके बाद एक घंटे छूट गया तो फिर एक घंटे के डेढ़ घंटे या दो घंटे बाद छोड़ना है, फिर डेढ़ दो घंटे बाद छोड़ना है। इस तरह से आप वीडियो छोड़िए, आपका चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा, वायरल होगा और बिंदास काम करेंगे तो दो पैसा आएगा। बाकी ज्यादा जानकारी है तो अगली वीडियो का इंतजार करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको इससे अच्छा जानकारी कोई बहुत कम लोग देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी हम लोग आप जानते हैं यूट्यूब से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पे ही दिनों रात काम करते हैं। जो चीजें हमें जानकारी है बहुत कम लोगों को जानकारी होती है।